हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द ब्रांड। जैसा आप जानते हैं ब्रांड से रिलेटेड हम ऑलरेडी दो टॉपिक कर चुके हैं, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड के लाइक एलिमेंट्स क्या है। अब हम आज देखने वाले हैं इन ब्रांड के एलिमेंट्स को चूज कैसे किया जाता है। दिस इज द पार्ट थ्री कि ब्रांड के एलिमेंट्स को चूज कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रीवियसली जरूर देख लीजिएगा यूजीसी नेट, आपका एमबीए बीबीए बीकॉम सभी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप लोग जानते ही हैं जैसे कि हमारे चैनल पर मैनेजमेंट से जुड़े हुए आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा, है ना। आप लोगों को प्लेलिस्ट भी अलग से मिल जाएगी, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चूजिंग ब्रांड एलिमेंट, कैसे एक ब्रांड एलिमेंट्स को चूज किया जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रांड एलिमेंट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड आइडेंटिटी। एज यू नो दैट कि ब्रांड जो होता है इसकी अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, है ना। किसी भी प्रोडक्ट में उसको पहचानने के लिए उसका ब्रांड को जाना जाता है, है ना। तो ब्रांड जो है उसकी आइडेंटिटी को क्रिएट करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होता है और बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। तो विदाउट देम आपका जो कॉम्पिटिशन है उसमें आप नहीं उतर सकते हो। तो इसलिए ब्रांड की यूनिकनेस अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है। कैसे किया जाता है? तो ब्रांड एलिमेंट्स को का चॉइस करने का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि ब्रांड एलिमेंट जो है वो मेमोरेबल होने चाहिए, मतलब इजीली रिकॉल हो जाए, है ना। ऐसा ना हो कि बस सोचा और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि टाइड ऐसा नेम है जो किसी के भी माइंड में बस जाएगा। तो वो टाइड हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, तो कुछ ऐसे नाम होने चाहिए जो मेमोरेबल होना चाहिए। किटकैट, है ना, वो चीज हो गई। फिर मीनिंगफुल, आपका जो भी सजेशन हो या प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को लेकर वो या फिर ऑल द टाइप ऑफ पर्सन हु माइट यूज द ब्रांड, कंसीडर द इनहेरेंट मीनिंग इन द नेम सच एज डाई हार्ट, ऑटो बैटरीज। तो मतलब जो भी आप अपना चूज कर रहे हैं ब्रांड वो आपका मीनिंगफुल होना चाहिए। कोई ना कोई उसका मीनिंग निकल कर सामने आना चाहिए, तभी उसको लाइक वो ज़्यादा अच्छे से किसी के भी माइंड में घर बना सकता है। लाइकेबिलिटी, ये जो आप ले रहे हो कि कैसे वो कंज्यूमर को कैसे उसको फाइंड कर सकता है, एलिमेंट्स को कैसे उसके नाम को वो सुनकर ही पहचान सकता है, तो इस तरह से भी ध्यान में रखकर आपका जो लाइकेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो सबको पसंद आए वो चीज़। फिर ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ट्रांसफरेबल का मतलब हो गया कि जब आप ब्रांड इक्विटीज कि हम बात करते हैं, जो कि हम जियोग्राफिक बाउंड्रीज की बात करें कि मार्केट का सेगमेंट हम हर जगह पर लेकर जाना चाहिए, तो ब्रांड ऐसा होना चाहिए कि अगर आप उसको ट्रांसफरेबल कर रहे हो, लाइक कहीं दूसरी जगह पर भी अगर आप उसे ओपन कर रहे हो तो वो हर जगह पर एक्सेप्टेबल हो जाए। फिर इसके बाद आता है अडेप्टेबल, है ना। तो हाउ अडेप्टेबल या फिर अपडेटेबल इज द ब्रांड एलिमेंट्स, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो इसको भी हमें ध्यान देना है कि उसको सभी लोग क्या करें, अडेप्ट कर सकें, है ना, उस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है। फिर इसके बाद आपका जो है वो प्रोटेक्टेबल होना चाहिए। हाउ लीगली प्रोटेक्टेबल इज ब्रांड एलिमेंट, ऐसा ना हो कि ऑलरेडी वो कोई यूज़ कर चुका है, वो कॉपीड एलिमेंट है जो आप यूज़ कर रहे हो। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वो कॉपीड नहीं होना चाहिए। आपका जो यूनिकनेस है उसको बनाए रखने के लिए जितनी जल्दी आपका ब्रांड डिसाइड हो रहा है उतनी जल्दी आपको उसको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, ठीक है। तो ब्रांड एलिमेंट को चूज करने का क्राइटेरिया क्या हो गया? मेमोरेबल होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लाइकेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसफरेबल होना चाहिए, अडेप्टेबल होना चाहिए एंड एज वेल एज प्रोटेक्टेबल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसको कैसे एलिमेंट्स को डेवलप किया जाता है। तो बिफोर चूजिंग अ ब्रांड नेम, जब ब्रांड नेम को चूज किया जाता है तो जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल नेम, पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमको नाम रखना है उसकी एक पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है। जैसे कि मुझे अपना चैनल का नाम रखना था तो पहले मैंने अलग अलग चैनल देखे, मैंने नाम सोचे, स्टडी विथ फन, मैनेजमेंट मंत्रा, मंत्रा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट स्टडीज, ऐसे करके बहुत सारे नाम मैंने पॉसिबल अपने उसके बनाए, ठीक है। बट मुझे जो फिर उसके बाद क्या हुआ, डिबेटिंग दियर मैरिट्स, मैंने उसके मैरिट्स और डीमेरिट्स सोचे कि क्या होगा अगर मैं इसको रखूंगी, क्या होगा उसको रखेंगे, फिर एलिमिनेटिंग ऑल बट अ फ्यू, फिर हमने उसमें से एलिमिनेशंस किया कि क्या चीज़ सही नहीं थी तो उसको हटाया और क्या क्या सही थी उनको अपने पास रखा। फिर हमने अपने टारगेट कंज्यूमर्स, लाइक कुछ जैसे मेरे को रखना था तो मैंने अपने स्टूडेंट्स के पास उस नाम के साथ भेजा, तो उससे मुझे पता चला कि हाँ लोग इसको पसंद कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कैची हो रहा है, देन मेकिंग द फाइनल चॉइस, फिर हम अपनी फाइनल चॉइस कर लेते हैं जो मैंने किया मैनेजमेंट मंत्रा। तो इस तरह से होता है हमारे ब्रांड का चॉइस, ठीक है।
तो इस तरह से आपका ब्रांड जो है उसे चॉइस कर लिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे आप एक ब्रांड को चूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको सारे के सारे वीडियोस के अपडेट मिल जाए, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा जिससे आपको वीडियोस का साथ ही साथ बहुत सारे कुछ पीडीएफ भी वहां पर मौजूद है जो आपको मिल सकती है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।